हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सूजी के मालपुए बना रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप ये कभी भी बना सकते हैं, किसी त्यौहार पर भी बना के खा सकते हैं। ये मालपुए बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम सूजी ली है, थोड़ा सा आटा, गेहूँ का आटा है ये, एक गिलास दूध, 200 ग्राम चीनी, इलायची पाउडर, थोड़ा सा नारियल और सौंफ। अभी मालपुए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका घोल बना लेंगे, तो सूजी एक बाउल में डाल देंगे। अब इसमें आटा डाल देंगे, आप चाहे तो सूजी का भी बना सकते हैं, आटे का भी बना सकते हैं, हम मिक्स में बना रहे हैं। अब इसमें इलायची डाल देंगे, थोड़ा सा नारियल डाल देंगे, जिनसे बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में अच्छा लगता है। थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे, मालपुए में सौंफ डालते हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। ये मालपुए आप ज़रूर बना कर देखें, आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये तीज पर भी बहुत बनाए जाते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसका बैटर बना लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक भी लम्स नहीं रहेगा इसमें। हमने दूध को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल कर तैयार हो जाएगी। जब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेंगे, ये टाइट हो जाएगा तो हम थोड़ा दूध और डाल देंगे बाद में। अब हम मालपुए के लिए हम चाशनी बना लेते हैं। मैं 200 ग्राम चीनी ली हूँ, तो एक कटोरी चीनी है तो हम एक कटोरी पानी डाल देंगे इसमें। हमें पतली वाली चाशनी बनानी है, टाइट वाली नहीं चाशनी बनाएंगे हम। हमारी चाशनी बनने लगे, हमें थोड़ी चिपचिपी चाशनी चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ, आप बिना कलर के भी बना सकते हैं। हमें थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी चाहिए, हमें तार की चाशनी चाहिए, ये थोड़ी चिपचिप हो रही है। तब हम गैस बंद कर देंगे, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब 20 मिनट हो गए हैं, हमारा बैटर भी तैयार हो गया है, सूजी फूल गई है और ये थोड़ा टाइट हो गया है, तो अब हम इसमें आधा गिलास और डाल देंगे। इस बैटर को बनाने के लिए मेरे को 1.5 गिलास दूध की ज़रूरत हुई है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मालपुए के बैटर को बना लिया, हमें इतना ही पतला रखना है इसको, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। अब मालपुए हम फ्राई पैन में फ्राई करेंगे, तो मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा तेल गर्म हो गया, गैस को हमने मीडियम फ्लेम कर दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा सा फैला देंगे, वैसे तो ये खुद ही फैल जाता है। आप जितने साइज के मालपुए बनाना चाहते हैं उतने साइज का बैटर डाल दें इसमें। अब थोड़ा सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे, एक मिनट के लिए ऐसे पकने देते हैं। हमारा मालपुआ एक तरफ से सिक गया है, अब हम दूसरी तरफ से पलट देंगे। इसको हम चिमटे से पकड़ के पलट देंगे। अब हम दोनों तरफ से इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे ही कर रखा है। ये मालपुए खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमने मालपुए को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे वैसे हम चाशनी में डालते जाएंगे, गरम गरम कोई चाशनी में डाल देंगे।
अब दोबारा से सिपेट डाल देंगे। अब इसको भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। हमने दूसरे मालपुए को भी एक तरफ से सेक लिया है, अब दूसरी तरफ से पलट देंगे। इसको भी हम दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा कलर चेंज होने तक करेंगे। अगर आपको मेरे ये मालपुए अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमने मालपुए को दोनों तरफ से सेक लिया है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। इसको भी हम चाशनी में डाल देंगे। ऐसे ही हम बाकी के सारे मालपुए बनाकर चाशनी में डाल देंगे। हमने मालपुओं को चाशनी में डाल दिए, अब हम 5 मिनट तक चाशनी में रहने देंगे ताकि चाशनी अंदर तक चली जाएगी, फिर हम निकाल लेंगे और बाकी के फिर से डाल देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी चाशनी में से हम मालपुए निकाल लेंगे। बचे हुए मालपुए भी हम ऐसे ही डाल देंगे। हमारे सूजी के मालपुए बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी से ज़रूर ये मालपुए बनाकर खाएं, ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे।